स्वतंत्रता दिवस के जश्न में अल सुबह से पूरा इंदौर शहर डूबा रहा। रिमझिम फुहारों के बीच झंडा वंदन के बाद सांस्कृतिक और देशभक्ति के कार्यक्रमों से शहर रंगा रहा। इसी कड़ी में इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में युवाओं ने तिरंगा रैली निकाली। भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों के उद्घोष के साथ शहर में देशभक्ति का रंग देखने को मिला। इंदौर के बाणगंगा स्थित बाणेश्वरी कुंड से राजवाड़ा तक बारिश की फुहारों के बीच हजारों युवा हाथों में तिरंगा लिए रैली के रूप में निकले। यात्रा के आयोजक अमन यादव और शिवम यादव ने बताया कि देश की अखंडता बनाए रखने के उद्देश्य से ये यात्रा निकाली गई। विगत 10 वर्षों से महाराज मित्र मंडल द्वारा यह यात्रा देश की एकता और अखंडता के लिए निकाली जाती है और प्रदेश की खुशहाली के लिए इसके आयोजक अमन यादव शन्ना और शिवम यादव यश यादव यह हजारों युवा तिरंगा यात्रा में अपने झंडे लेकर चलते हैं और ये यात्रा बाणेश्वर कुंड से प्रारंभ होकर बड़ी माता चौराहा और वृंदावन कॉलोनी होते पुनः बाणेश्वर कुंड पर समाप्त होती है। इसमें देश की और एकता और अखंडता के लिए यात्रा निकाली जाती है। यह हर वर्ष हम आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं और हजारों युवा एकत्रित होकर तिरंगे के साथ वाहन रैली निकालते हैं, जिसमें एक देश व्यक्ति भारत की एकता और अखंडता के लिए हम ये यात्रा निकालते हैं और सब युवा बड़े जोश के साथ इस यात्रा में सम्मिलित होकर देश राष्ट्रीय हित के लिए अपने अग्रसर होते हैं।